जैसे कि हमें मालूम है कि गूगल या दूसरे सर्च इंजन एल्गोरिदम्स के तहत चलते हैं और वो एल्गोरिदम्स किसी बेस पे कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, हम इस वीडियो में वो जिक्र करेंगे कि वो कैलकुलेशंस किस बेस पे हो रही होती हैं। सो असल में वो जो पहलू हैं, वो जो कैलकुलेशंस हैं जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर या डिफरेंट फार्मूलाज के तहत गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करता है, उनको हम SEO की ज़ुबान में फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि रैंकिंग फैक्टर्स के नाम से भी कहलाता है। क्योंकि ये फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं गूगल में रैंकिंग के लिए, तो इनको SEO रैंकिंग फैक्टर्स या रैंकिंग फैक्टर्स या खाली फैक्टर्स भी कहा जा सकता है। सो इसके तहत आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हम गूगल के एल्गोरिदम या डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो एक सर्टन कैटेगरी के तहत, एक सर्टन पैटर्न के तहत वो एक चीज इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको इंडेक्स करते हैं, उसको उसके बाद यूज़फुल वे में शो करते हैं। हमें भी वही चीज़ें करनी हैं, लेकिन वो कितने फैक्टर्स हैं, वो कितने फैक्टर्स हैं या कितने पहलू हैं जिनको गूगल या कोई भी सर्च इंजन देखता है। अब ये वो चीज़ है जो कि किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन गूगल ख़ुद ये कहता है अक्सर जगहों पे कि तकरीबन 200 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है, 200 से ज़्यादा डिफरेंट पहलू हैं जिसको गूगल कंसिडर करता है जब वो ये डिसाइड करता है कि आपकी पेज, आपकी वेबसाइट या आपका पेज नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पे आएगा या नंबर 10 पे आएगा या बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अक्सर जगहों पर ये भी रेफरेंस मिलता है कि गूगल तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पहलू देखता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जज करते हुए, क्रॉल करते हुए, उसके बाद उसको इंडेक्स करके शो करते हुए। ये वो पहलू हैं जिसको हमें एज एन SEO, एज अ मार्केटर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोफेशनल, हमें अंडरस्टैंड करना है कि कितने ये पहलू हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये जो पहलू हैं, बेसिकली ये कोई भी सर्च इंजन पब्लिकली इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्रेट रेसिपी है और बेसिकली यही वो फार्मूला है जिसके तहत वो अपने पैसे बना रहे हैं, जिसके तहत वो गूगल गूगल है। तो गूगल अगर ये बता दे किसी को कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, तो गूगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब मुझे ये पता चल जाए कि गूगल किस चीज़ को देखते हुए रैंक करता है इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट उसी तरह से बनाकर एग्जैक्टली उसको रैंक करवा लूँगा, और इस तरह से फिर बाकी सारे भी यही करेंगे, वो भी उसी तरह से रैंक करवा लेंगे। सो वो जब ये चीज़ पब्लिक हो जाएगी तो वो चीज़ आम हो जाएगी, जब आम हो जाएगी तो वो जो यूनिकनेस है, जो ऑर्गेनिक वो जो फैक्टर्स हैं, जो एक्चुअल गूगल का एल्गोरिदम है, वो डाई हो जाएगा और गूगल एज अ कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही वजह है कि गूगल अपने इंफॉर्मेशन के बारे में, अपने एल्गोरिदम के बारे में बड़ा सीरियस है और वो कोशिश ये करता है कि ये लीक आउट ना हो। लेकिन चूँकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत लोग इसको टेस्ट करते हैं, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि वो 200 प्लस फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लोगों को क्लियर हैं। वो क्लियर इन्फॉर्मेशन जब जिनको जो पता है, जो एक मजमूई तौर पे लोग समझते हैं कि हाँ ये चीज़ गूगल देखता है, वो मजमूई तौर पे फैक्टर्स कहलाते हैं, वो तकरीबन 200 से ज़्यादा हैं, और हमें एज एन SEO उन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करना होता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है, और फिर उन्हीं फैक्टर्स के बेस पे हम देख रहे होते हैं कि गूगल किस चीज़ को पकड़ रहा है कि किस चीज़ को नहीं पकड़ रहा। अच्छा, अब फैक्टर्स हैं किस तरह के, अगेन हम ये मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक देता चलूँ कि फैक्टर्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकते हैं कि आपके टाइटल में क्या आ रहा है, आपने जो इन्फॉर्मेशन जो लोग सर्च कर रहे हैं क्या वो आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, करती है तो कितनी दफ़ा करती है, आपकी वेबसाइट में कितने लिंक्स हैं, आपको कितने लोगों ने बैक लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट लोड होती भी है या नहीं, अगर लोड होती है तो कितनी देर में लोड होती है, और क्या मोबाइल में नज़र आती है किसी को, क्या वो सिक्योर है, और मज़ीद इस तरह के बेशुमार फैक्टर हैं जो गूगल और दूसरे सर्च इंजन्स इसको कंसिडर करते हैं, और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को या किस वेबसाइट को ऊपर लाना है, किस को कम लाना है। अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, उनका गोल ये है कि वो यूज़फुलनेस के तहत, मतलब वो अफादियत के तहत लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दिखाएं, जो वो सर्च कर रहे हैं वो लोगों को मिल जाए। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वाकई ऐसा हो, गूगल और ये सारे फैक्टर्स को बड़े बड़े क्रिटिकली एनालाइज करते हैं,
और उसके बाद ये है कि ये इसको अपडेट भी करते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये आज का गूगल आज से 20 साल पहले वाला गूगल नहीं है। आज से 20 साल पहले गूगल सिर्फ आपको लिंक्स दिखाता था, जब आप कुछ सर्च करते थे आपको लिंक्स दिखाता था। अब गूगल आपको मैप्स भी दिखाता है, आपको फ्लाइट्स का डेटा भी दिखाता है, आपको सोशल मीडिया के स्टेटस भी दिखाता है, आपको वेबसाइट्स भी दिखाता है, आपको वीडियोस भी दिखाता है। तो वो रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो चेंज होते चले जाते हैं। आपने अगर SEO अच्छे तरीके से करनी है तो आपको इन रैंकिंग फैक्टर्स को एक तो अंडरस्टैंड करना है, लेकिन जिस तरह से गूगल या कोई भी सर्च इंजन अपने रैंकिंग फैक्टर्स चेंज करता जाता है आपको भी उसके साथ अडेप्ट करना है। सो SEO एक वाहिद ऐसी फील्ड है जो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन जिसमें ऑब्सोलीट हो जाती है। ऑब्सोलीट का मतलब कि आज जो आपने पढ़ा हो सकता है कि वो साल बाद वैलिड ना रहे। क्यों? क्योंकि साल में हो सकता है गूगल ने एक चीज़ लॉन्च की लेकिन उसको लगा कि ये ठीक नहीं थी, या उसको लगा कि किसी और बेहतर तरीके से लॉन्च करनी चाहिए थी। जब वो उसको बेहतर तरीके से लॉन्च करेगा तो वो पुरानी इन्फॉर्मेशन ऑब्सोलीट हो जाएगी। सो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ 2 साल पहले तो ये ऐसे होता था अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि गूगल को अब लगता है कि वो वैसे नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से गूगल एडवांस करता है उस तरह से हम भी एडवांस करते हैं। हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि सर्च इंजन कैसे काम कर रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या नया आ रहा है, कैसे आ रहा है, और हम उसको यूटिलाइज करेंगे कि अपनी वेबसाइट में हमने उसको कैसे डालना है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली फैक्टर्स, एक लिस्ट बनती जाती है जिसको हम चेक करते हैं कि हाँ टाइटल में है कि नहीं, स्पीड कैसी है, सिक्योर है कि नहीं। ये सारे फैक्टर्स फिर हमारे लिए एक SEO का प्रोसेस बन जाते हैं जिसके तहत हमें अपनी वेबसाइट या किसी की वेबसाइट को हम रैंक करते हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री इसी तरह से चलती है। और ज्यों ज्यों ये नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है, गूगल सर्च इंजन्स ये अपने रैंकिंग फैक्टर्स नए नए इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और उससे ये होता है कि हमें भी उनके साथ अडेप्ट करना होता है। अब नई चीज़ आने के साथ अक्सर पुरानी चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, वो मतलब उनकी अफादियत ख़त्म हो जाती है, और अब वो जो प्रैक्टिस थी जो 1 साल पहले वैलिड थी या 1 साल पहले वो ठीक समझी जाती थी वो अब नहीं ठीक समझी जाती। तो हमें गूगल के साथ अपडेटेड रहना होता है कि वो क्या लॉन्च कर रहे हैं और हमें उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। और ये चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, और चूँकि ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है, ये जितना ज़्यादा तेज़ होता जाएगा हमें भी उतना ज़्यादा तेज़ होना है। अगर हम इस चीज़ को मिस करेंगे तो हम अल्टीमेटली अच्छे SEO नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन अब वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। हम जो काम करेंगे वो गूगल चूँकि उसको इग्नोर करता रहेगा, वो गूगल के मुताबिक अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी अल्टीमेट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है SEO की वो गिर जाएगी।